सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। दोस्तों 25th ऑफ अगस्त को सिनेमा घर के अंदर मराठी इंडस्ट्री द्वारा केवल मराठी लैंग्वेजेस की मूवी सुभेदार को रिलीज कर दी गई है। वहीं पे अगर बात करें तो ये मूवी तानाजी महाराज जो कि हिंदी लैंग्वेजेस की मूवी थी उसी स्टोरी से या फिर बात करें तो उसी तरीके की कंटेंट या फिर बात करें तो उसका ही कुछ ना कुछ पार्ट इसके अंदर भी देखने मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर बात करें तो केवल मराठी लैंग्वेजेस में सुभेदार मूवी को रिलीज की गई है और काफ़ी बेहतरीन तरीके की कंटेंट के साथ, यानी कि बॉलीवुड की जो तानाजी मूवी थी उससे भी बेहतरीन तरीके से इस मूवी को डिजाइन की गई है या फिर बात करें तो ऑडियंस के सामने प्रेजेंट की गई है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं तानाजी महाराज के टोटल 3 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही में बात करेंगे ये मूवी अपने 3rd डे पे किस तरीके की कलेक्शन के साथ नजर आने वाली है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ऐसे ही अपडेटेड वीडियो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से रिलेटेड लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करें तो इस मूवी के अंदर हमें छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर तानाजी मालुसरे के जीवन पे आधारित कहानी देखने मिलने वाली है। और वहीं पे अगर बात करें तो ये मूवी सिनेमा घर के अंदर भौकाल कमाई के साथ ऑडियंस को एंगेज करते हुए और ये स्टोरी प्लॉट जो है जिस तरीके से दिग्पाल लांजेकर के डायरेक्शन में मूवी को डायरेक्ट की जाती है, जिस तरीके से प्रेजेंट की जाती है, ऑडियंस को काफ़ी बेहतरीन तरीके से पसंद भी आती है। वहीं पर अगर बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों ये मूवी 5 से 6 करोड़ की बजट में बनाई गई है। और वहीं पे दोस्तों अगर बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो ये मूवी अपने पहले दिन पे 1.05 करोड़ की कलेक्शन करती हुई नजर आई थी। वहीं पे अगर बात करें तो 2nd डे पे ये मूवी 1.85 करोड़ की बेहतरीन कलेक्शन के साथ नजर आई थी। वहीं पे अगर बात करें इस मूवी के अर्ली एस्टिमेट के रिपोर्ट के हिसाब से 3rd डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो ये मूवी अपने 3rd दिन पे 2.3 करोड़ यानी की 2 करोड़ 30 लाख से लेके 2 करोड़ 50 लाख की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने 3rd दिन पे यानी की संडे के दिन बेहतरीन वीकेंड के साथ कलेक्शन करती हुई नजर आ सकती है। वहीं पे दोस्तों अगर बात करें सुबेदार मूवीज अपने 3rd डे पे 2.5 करोड़ की कलेक्शन करती है तो सुबेदार मूवी का 3 दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4.2 करोड़ की बेहतरीन कलेक्शन होने वाली है। उसी के साथ दोस्तों अगर बात करें ये मूवी अपने 2nd और 3rd डे पे जिस तरीके से कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है, अगर ये मूवी इसी कंटिन्यूटी के साथ कलेक्शन करती है तो बहुत ही जल्द सिनेमा घर के अंदर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का वेरीडेट या फिर बात करें तो टैग लेती हुई नजर आने वाली है। दोस्तों मराठी मूवीज के साथ साथ किसी भी मूवीज वेब सीरीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लेटेस्ट और एक्यूरेट अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।